परवेज मुशर्रफ कौन थे? साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गए। जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। 1964 में पाकिस्तान की बड़ी फौज में शामिल हुए और 1965 और 1971 की जंगों में शिरकत की। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज क्वेटा के ग्रेजुएट थे। 7 अक्टूबर 1998 को बड़ी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ के मनसब पर फाइज हुए। 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने बहसियत आर्मी चीफ उस वक्त के वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रेफरेंडम के इनेकाद के बाद सदर मुंतखब हुए। 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान रहे, जिसके बाद असेंबलियों ने भी इस फैसले की तौसीह कर दी। ताहम 9 साल बाद परवेज मुशर्रफ पाक फौज के सरबराह के ओहदे से 28 नवंबर 2007 को सुबकदोश हो गए और 18 अगस्त 2008 को दुबई चले गए। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी और संगीन गद्दारी के मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने उन्हें सजाए मौत देने का हुक्म दिया। परवेज मुशर्रफ पर आइन शिकनी का इल्जाम 3 नवंबर 2007 को आइन की मौतली और मुल्क में इमरजेंसी के नफाज के हवाले से था और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका था कि किसी शख्स को आइन शिकनी के जुर्म में सजा सुनाई गई। जस्टिस सेठ वकार, जस्टिस नजर अकबर और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई और कहा गया कि अगर वो मुर्दा हालत में पाकिस्तान पहुंचे तो उनकी लाश को टी चौक पर लटकाया जाएगा।